से काफी भारी हो गई हो तुम। क्या कहा तुमने? मैं भारी हो गई हूँ। मैं भारी नहीं हुई, तुम कमजोर हो गए हो। अच्छा जी, ठीक है फिर कल से जिम ज्वाइन करता हूँ, थोड़े और वेट्स उठाता हूँ, स्ट्रेंथ बनाता हूँ। आफ्टर ऑल तुम प्रेग्नेंट हो, हर दिन वेट पुट ऑन कर रही हो, मोटी हो रही हो ना। बिल्कुल, तुम्हें ना जिम जाना चाहिए। वैसे काफी खूबसूरत लग रही हूँ आज। अच्छा ये बताओ क्या खाओगे तुम? कुछ भी। कुछ भी मतलब मुझे भी खा लोगी? शिव क्या बोलने लगे हो तुम? जब से तुम घर वापस आए हो ना कुछ भी बोले जा रहे। अब तुम ही बताओ, तुम मेरी बीवी हो ना, मेरे बच्चे की होने वाली माँ भी हो, तो मैं अपनी बीवी को, मेरे होने वाले बच्चे की माँ को कुछ भी बोल सकता हूँ? इसे परी एक बात समझ में नहीं आई मुझे, हमारी इतनी स्पेशल डेट नाइट है और तुम ऐसे आ गई। ऐसे आ गई मतलब? देखो ना तुम, मतलब ये है कि यही सूट तुमने नीचे पहना हुआ था और यही सूट पहन के तुम ऊपर आ गई। मुझे लगा था कि तुम डेट नाइट के लिए कुछ अच्छा पहनोगे, कुछ स्पेशल पहनोगे, लेकिन तुम तो वही शिव। अब ये सब ही चलेगा, मेरी बीवी हो ना, इतनी बात तो मान सकती। अच्छा मुझे बस 2 मिनट दो, मैं अभी चेंज करके आ गई। और सुनो जल्दी आना, तुम्हारे बिना ज्यादा देर रह नहीं पाऊंगा मैं। स्प्रे नहीं संजू, तुम्हारे प्यार का एहसास चाहिए। पता नहीं सकती तुम्हारी बाहों में आके कितना अच्छा लगा मुझे। अब तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम तुमने कब मुझे ऐसे अपनी बाहों में उठाया था, बट आज मुझे दर्द में तड़पते हुए देख के तुमने मुझे उठा भी लिया। इसका मतलब तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए कुछ तो है ना संजू? आई नो है, हम दोनों ने ईगो में आके अपने प्यार को दबा तो दिया है, बट वो प्यार आज भी है, खत्म नहीं हुआ। नीति अब बेटर फील हो रहा है? नीति बेटर फील हो रहा है? नहीं, अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी हिम्मत रखो, पर ही आती होगी स्प्रे लेके, तब तक मैं पानी दे देता हूँ तुम्हें थोड़ा। ऐसे इमोशनल करके ही तुम्हें फिर से अपना बना लूंगी संजू। परी ने भी तो ऐसे ही इमोशनल कर करके तुम्हें मुझसे दूर कर दिया, हमारी शादी तोड़वा दी उसने, डाइवोर्स करवा दिया। जो खेल परी ने खेला है ना मेरे साथ, वही खेल मैं भी खेलूंगी उसके साथ। जैसे उसने मेरी शादी तोड़वाई, वैसे ही मैं उसकी शादी तोड़वाऊंगी। थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करो। अब चीचू मुझे लगता है इस कमरे में भी स्प्रे रखा होगा, आप ढूंढो ना और आप ही स्प्रे कर दो, पता नहीं परी को कितना टाइम लगेगा। नीति क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? परी ने मुझे बताया तुम्हारे पैर में मोच आ गई है। जानती थी मैं परी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी, खुशी देखी नहीं जाती उससे मेरी। कहा था मैंने उसे कि नीचे सब बैसाखी की सेलिब्रेशन की बातें कर रहे हैं, उन्हें कुछ मत बोलना, लेकिन फिर भी ढिंढोरा पीट दिया उसने। नीति ये ले स्प्रे। लाओ मुझे दो। क्या वो ठीक लग रहा है तुझे? नहीं। भगवान जी कौन से पाप किए थे मैंने, एक परी तो पहले से ही संभल नहीं रही है मुझसे, और आपने इस शैली को और मेरी जिंदगी में भेज दिया है। कैसे पीछा छुड़वाऊं मैं इससे, पागल कर दिया इस आदमी ने मुझे। तुम लोग इतनी जल्दी उठ गए? पेरी कौन है ताई जी? जिंदा रहे। हाँ ताई जी आज बैसाखी है ना। हैप्पी बैसाखी टू यू ताई जी। उत्तर कम से कम अपने त्योहार की बधाइयां तो अपने भाषा में दे दिया कर। मतलब तुम दोनों को बैसाखी की लख लख बधाइयां ऐसे। सेम टू यू ताई जी। बैसाखी की लग लग बधाइयां। रब तुम दोनों की जोड़ी बस ऐसे ही बनाए रखे। ताई जी आप बातें छोड़िए, देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, आपकी फेवरेट मटरी और आपकी फेवरेट मिठाई भी। अयो रब्बा। ताई जी आपको बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुझे भी। और तुम दोनों को भी हैप्पी बैसाखी। आपको भी दी।
आपको भी लख लख बताइए। अरे वाह, मठरी और मिठाई। हाँ, मेरा पुत्र लेकर आया मेरे वास्ते। वैसे गलत मैनू क्या ताई जी, किस तरह की वोटी है तू? तेरा तेरे पति पे कोई कंट्रोल है कि नहीं? क्यों, क्या हुआ ताई जी? अमित ने कुछ किया क्या बताइए आप मुझे? खोत्या अभी तक सो रहा है। ओह नहीं 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 ताई जी, उठ गए हैं, बस वो ना तैयारों के नीचे आने वाले। चौधरायन बनकर तू अपनी बहू को वैसाखी के दिन डांट तो रही है कि उसका उसके पति पर कंट्रोल नहीं है, पर तेनू पता है तेरा की हाल है? मतलब? मतलब ये कि तेरा पति अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा है। अरे जाकर जगाओ उसे, उसे बताना कि आज वैसाखी है, पंजाबियों का बड़ा त्योहार है, पता है ना तेरे को? उस सही टाइम पे आ गया, उन्हें इस बेबे ने तो मरवा दे रहा था। ओ इसकी जरूरत नहीं है बेबे। लो जी आ गया मैं। बहुत जल्दी आ गए आप, ये भी कोई टाइम है उठने का? ओ नहीं मम्मी, ओ मैंने तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी और छाती पे ना थोड़ा भारीपन महसूस हो रहा था। मुझे लगता है कि कल शाम को ना मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, तो वैसे तो मैं तो एक मिनट, ये कब से लग रहा है तेरे को भारीपन? ये वैसे तो वैसे तो सालों से लग रहा है, जब से शादी हुई ना तब से ना। हाँ बेबे, शादी के कुछ दिनों बाद से शुरू हो गया था, लेकिन बेबे आपको कैसे पता? क्योंकि पुत्र बलबीर, ये जो भारीपन है ना शादी के बाद ना हर मर्द को महसूस होता है। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इन दोनों को बहुत जल्दी दूर करना पड़ेगा मुझे। और वो शैली, वो लोग जान का दुश्मन बना बैठा है मेरी, और ताई जी का क्या भरोसा कब उनका मूड बन जाए मेरी और शैली की शादी करवाने का, जबकि मुझे ये शादी करनी ही नहीं है। तो कैंसिल कर दो ये शादी। सिर्फ संजू ही नहीं, पूरी भाजपा फैमिली उस बच्चे से प्यार करती है। तभी तो जब भरी सरोगेट मदर बनने के लिए रेडी हुई, तब से ही वो घर वालों की फेवरेट बन गई है। अब मैं कितना ही सोच लूं कि संजू को हमारा पुराना प्यार याद आ जाए, नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस वक्त उसके दिल और दिमाग में सिर्फ भरी और उसके पेट में पल रहे बच्चे का ही ख्याल है। इवन जब मेरा मिसकैरेज हुआ था तब मैं भी तो डिप्रेशन में चली गई थी, कितनी पागल हो गई थी मैं बच्चे को लेकर, और संजू का वो रोता हुआ चेहरा आज भी याद है मुझे। इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आई कि संजू के लिए बच्चा कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? संजू मुझसे प्यार करता था, लेकिन जब हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा और परी सरोगेट बनने के लिए रेडी हो गई, तो संजू का दिल उस औरत के लिए धड़कने लगा जो उसके बच्चे को जन्म देने वाली है, यानी कि परी। परी से उसने शादी सिर्फ बच्चे के लिए की है, बच्चे के अलावा ना तो कल संजू को उससे प्यार था और ना ही आज। तभी तो मैं सोचूं कि संजू इतना क्या पागल हो गया है परी के प्यार में, जबकि उसके अंदर तो कोई एक्स फैक्टर भी नहीं है, लाइक मी। दीदी अब तुझे डरने की ना कोई भी जरूरत नहीं है, तुझे लाइफ एक और मौका दे रही है अपनी गलती सुधारने का। नीति तू किचन में क्या कर, तुझे कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए, तुझे ढूंढ रही थी मैं। समझ गई, सच बताने के लिए ना। कौन सा सच? यही कि तू शैली से बहुत प्यार करती, जब भी तुझसे पूछा कि तुझे शैली पसंद है कि नहीं, तूने हमेशा उसकी कोई खूबी या कोई क्वालिटी बताई, लेकिन आज बाहर बात कुछ और ही थी। नीति देख, तू मुझे बता सकती है कि तू शैली से शादी क्यों नहीं करना चाहती, और तेरा जो भी जवाब होगा ना मैं तेरे साथ हूँ। देख परी, तुझे ना मेरी बात बहुत ज़्यादा अजीब लगेगी शायद। ऐसी क्या बात है? देख शादी होगी तो मैं माँ भी बनूंगी, आई मीन हर लड़की शादी के बाद प्रेग्नेंट होती है, सबको फैमिली बच्चा सब कुछ चाहिए होता है। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना कुछ अजीब सा लग रहा है, डर सा लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं माँ बन पाऊंगी, कुछ बुरा हो जाएगा मेरे साथ परी। नीति के दिमाग के किसी कोने में अभी भी बच्चा खोने वाली बात बैठी है, तभी शायद उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकल पा रही है।